हमीरपुर के गांधी चौक पर दोपहर के समय एक शराबी ने जमकर हुड़दंग मचाया। जानकारी के अनुसार एक शराबी रेडीमेड कपड़ों की दुकान में घुस गया और पहले रेडीमेड कपड़ों की दुकान मालिक से झड़प की और उसके बाद दुकान के बाहर शोर मचाते हुए निकल गया। इतना ही नहीं, दुकान के बाहर गाली गलौज करते हुए शराबी ने जमकर हुड़दंग मचाया, जिसे देखकर गांधी चौक पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। ड्यूटी पर तैनात गांधी चौक पर होमगार्ड के जवान के साथ भी शराबी ने धक्का मुक्की की। वहीं बाद में होमगार्ड के द्वारा पुलिस थाना हमीरपुर को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर शराबी को थाने पहुंचाया। रेडीमेड कपड़ा व्यापारी राजेश ने बताया कि शराबी अचानक ही दुकान के अंदर आ धमका और गाली गलौज करने लगा। जब ऐसा करने से उसे मना किया तो शराबी मारपीट पर उतारू हो गया और इसके बाद जब उसे दुकान से बाहर जाने को कहा तो दुकान के बाहर खड़ा होकर शराबी जो दूर से गालियां निकालने लगा। उन्होंने बताया कि शराबी ने होमगार्ड के साथ भी धक्का मुक्की की। सर, इस लड़के ने शराबी हुई थी और दुकान के आगे मतलब अंदर जोर से गाली दे रहा था। मैंने उसको बोला कि आज इधर चला जा, कोई गंदी गंदी गाली निकालने लगा और मेरे ऊपर से अटैक कर दिया, मेरे ऊपर से हमला कर दिया, मेरे को मतलब मारने आ गया दूर से। फिर पुलिस वाला होमगार्ड आया, उसको वो उसको जो रोक रहा था उसको भी सुना पकड़ लिया और उसके साथ गाली गलौज करने लग पड़ा। ऐसा होता था।